अभी जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका तलक है मकैनिकल हैजर्ड्स और मशीन सेफ गार्डिंग के साथ लेकिन इस टॉपिक में जिन चीज़ों को हमने फर्दर एबोरेट करना है वो ये है फॉलिंग इम्पैक्ट एक्सेलरेशन लिफ्टिंग एंड विजन हैज़र्ड्स ये वो टॉपिक्स हैं जिनका तलक हैज़र्ड्स जिन के साथ है अगर इन टॉपिक्स के ऊपर हम कंट्रोल कर लें काफ़ी हद तक हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं इम्पैक्ट फ्राम अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज आल्सो अ कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट इसी ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने की वजह से ये कॉमन वजह बन सकती है किसी भी किस्म के एक्सीडेंट की दिस चैप्टर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन नीडेड बाई मॉडर्न सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशन जिसमें जिस चीज़ को देखना इम्पोर्टेंट है डी स्टूडेंट्स वो ये है बैक आई फेस पुट प्रोटेक्शन एज वेल एज पॉक लिफ्ट सेफ्टी अगर इन चीजों को हम लोग देख लें तो काफ़ी हद हाँ तक हम इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं ऑफ फॉल नीचे गिरने की वजूहत क्या हो सकती हैं हमें यह देखा गया है कि बात मोर दैन सिक्सटीन परसेंट वर्क रिलेटेड इंजरीज रिजल्ट ऑफ फॉल इंजरीजल्टेंट वर्क रिलेटेड जो इंजरीज हैं वो किसी चीज के नीचे गिरने की वजह से हो सकते हैं क्लियरली फॉल्स आर आर मेजर कंसर्न ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ

तो उस वजह से वहां पर नुकसान हो सकता है नंबर थर्ड स्लिपरी सरफेस स्लिपरी कि आप चल रहे हैं लेकिन आपके शूज या सरफेस दोनों एक दूसरे को स्पोर्ट नहीं कर रहे इस वजह से इंजरी के चांसेस हो सकते हैं एन इंडिविजुअल इम्पेयर फिजिकल कंडीशन या किसी बंदे ने फिजिकली उस चीज को अवेल्यूट ही नहीं सही किया जज सही नहीं कर सका जिस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है काइंड ऑफ फॉल सच फॉल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज एंड फॉल स्टंप एंड फॉल स्टेप एंड फॉल स्लिप एंड फॉल अगर पहली स्लाइड को आप गौर से देखें जो मैंने अभी शेयर किया है आपके साथ उसमें यही चारों चीज़ें हैं कि आप लोग अगर कंट्रोल लूज कर गिर सकते हैं आप सरफेस की स्पोर्ट ना करने की वजह से गिर सकते हैं स्टेप सही ना लेने की वजह से घिर सकते हैं तो ये बेसिकली फॉल्स की चार इकसाम हैं वॉकिंग एंड स्लिपिंग जजिंग बाई दंबर ऑफ इंजरीज दैट अखर एज द रिजल्ट ऑफ स्लिपिंग अक्सर देखा गया है कि बहुत सी इंजरीज की जो वजूहत हैं उसमें एक वजह स्लिपिंग है जब स्लिप हो जाते हैं समेबल प्लेटफॉर्म फॉर वॉकिंग इज एनीस विद दाई डिग्री ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी किस्म की टेक्निकल ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर आपको मूवमेंट करनी चाहिए अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं और वो जो फिजिकल सरफेस है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो चांसेस है कि वहां पे आप इंजर्ड हो सकते हैं वॉकिंग एंड स्लिपिंग को मजीद अगर देखा जाए जनरल स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंशन स्लिप अगर आप स्लिप होने से बचना चाहते हैं देन वट यू हैव टू डू चूज द राइट मटीरियल फ्रॉम द आउटसाइड रेट्रोफिट एंड एग्जिटिंग सरफेस रेट्रोफिट एंड एग्जिस्टिंग सरफेस प्रैक्टिस गुड हाउस कीपिंग रिक्वायर नॉन स्केट फुटवेयर इंस्पेक्ट सर्फेस फ्रिक्वेंटली अगर वो सर्फेस है उसको फ्रिक्वेंटली आप चेक नहीं कर रहे विजड नहीं कर रहे वॉश नहीं कर रहे क्लीन नहीं कर रहे खुशक नहीं कर रहे तो चांसिस है वहां पर आप स्लिप हो सकते हैं इन चीजों से बचने के लिए आपको डेली बेसिस पे उसकी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है वॉकिंग एंड स्लिपिंग की फर्जर जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज है वो ये है चूज द राइट मेटीरियल फ्राम द आउटसाइड बिल्डिंग लॉबीज रेस्ट रूम किचन प्रोसेसिंग एरिया अगर ये सारी चीजें आप अलहदा आहदा बना दें मसलन किचन का एरिया है वहां पर आप जाए काम करें टी लें आप लोग ग्रीन टी लें चाय बनाए कॉफ़ी बनाए लेके आ जाए तो चांसेस है कि वो मटेरियल वहीं यूज होगा वहीं डस्टबिन में यूज हो जाएगा अगर आप ये काम किसी ऐसी जगह करना शुरू कर दें जहाँ पे आप अक्सर मूव कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो नीचे नीचे गिर सकती हैं

रिकंडीशनिंग एंड रेट्रोफिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर सबसे अहम चीज़ जो डी स्टूडेंट्स हैं वो अभी आपको बताने लगा हूँ वो ये है इंस्पेक्शन ऑडिट्स टेस्ट्स एंड रिकॉर्ड। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्पेक्शन बाकायदगी से हो रही है बाकायदगी से हो रहा है टेस्ट सारे पास हो रहे हैं और रिकॉर्ड्स मैंटेन किया जा रहा है तो चांसिस है कि काफ़ी हद तक का आप स्लिप से खुद खुद बच सकते हैं और अगर इसको कंक्लूड किया जाए वो ये है कि जो भी मेजरमेंट्स लेने चाहिए स्लिप से बचने के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन वो तमाम मेजरमेंट्स ले रही है तो चांसेस है कि तमाम इम्प्लॉज़ उस किस्म की स्लिप्स जो हैं उनसे अवॉइड कर सकते हैं